हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था एवोल्यूट एंड इनवोल्यूट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। उसी पर बेस्ड है इनवेलप, ठीक है ना? तो इनवेलप पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि प्रीवियस वाले जो लेक्चर हैं वो देखने पड़ेंगे। मेरा बोलने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर वाला जो लेक्चर था वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में आप एवोल्यूट पे आओगे, एवोल्यूट के बाद में एनवलप पे आओगे, ठीक है ना? तो क्या है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए देखो, एनवलप क्या होता है? अ कर्व विच टचेस द ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड द एनवलप ऑफ दैट फैमिली। मतलब कोई कर्व होता है, उस कर्व के अगर हर पॉइंट पर मैं टेंजेंशियल बनाता रहूँ और एक कर्व जनरेट हो जाए इस तरीके का कर्व कि वो उसको क्या है कंप्लीट कर्व कर दे, तो उसी को बोलते हैं एनवलप। तो एनवलप से आपको वैसे भी क्या डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देखो, मान के चलो इस तरीके से कोई कर्व है, ठीक है ना? तो अगर मैं मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट इस पर टेंजेंशियल बना दूँ, इस पर भी क्या बना दूँ तो टेंजेंट बना दूँ, तो इस तरीके से बनेगी कुछ। इस पर भी बना दूँ, इस पर भी बना दूँ, इस पर भी बना दूँ, तो इस तरीके से क्या है कि ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं एनवेलप, ठीक है ना? एनवेलप का मतलब समझ आएगा। ये तो देखो समझाने वाली बात है, कोई पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया कि एनवेलप क्या होता है। कि मतलब सच अ कर्व दैट एट ईच पॉइंट इट टचेस टेंजेंशियली वन ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली दैट इज नोन एज द एनवेलप। क्लियर है? अब देखो एनवेलप फाइंड कैसे करते हैं, मुद्दे की बात ये है, ठीक है ना? क्योंकि पूछा क्या जाएगा, एनवेलप की इक्वेशन फाइंड करो। ये बात आपको समझ में आई क्या? क्या किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एनवेलप की इक्वेशन फाइंड करो, तो वो क्या प्रोसेस होता है? देखो, सबसे पहले यार, अगर आपको कभी भी एनवेलप की इक्वेशन फाइंड करनी होती है, मान के चलो कोई कर्व दिया हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें पैरामीटर होंगे। क्या होंगे पैरामीटर? तो आपको अगर मैं बात करूं एक पैरामीटर की तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हो सकता है दो पैरामीटर भी हो। तो आपको क्या करना है, उन पैरामीटर को ही क्या करना है, गायब करना है। कहने का बस मतलब ये है, ठीक है ना? तो किस तरीके से गायब करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले तो विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। जो पैरामीटर होगा ना उसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, कर्व को, और वो भी कैसे, पार्शियली, ठीक है? एंड फाइंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर। समझ में आ गई बात? जो पैरामीटर होंगे ना उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, और करने के बाद में फिर क्या निकालना है, उस पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, उस वैल्यू जो पैरामीटर की वैल्यू है उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग पैरामीटर वैल्यू इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व। मतलब जो आपको कर्व दिया हुआ है ये वाला, इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व कैन गेट, ऐसा करने पर क्या हो सकता है, कैन गेट हम क्या जिसका काम कर वो है रिक्वायर्ड एनवेलप। बोलो ये चीज़ समझ में आई? अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि होता क्या है, तो आपको बस पहले तो ये आइडिया होना चाहिए एनवेलप होता क्या है। एक कर्व होता है जिस पे गिवन जो कर्व होता है या फैमिली ऑफ कर्व होता है उसके हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंशियल या टेंजेंट बनाता चलूं और मेरे को एक कर्व मिल जाए वहां से, तो वही कर्व क्या होता है, एनवेलप होता है। कैसे फाइंड की जाती है, मैंने आपको बता दिया, डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर होगा, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करने के बाद में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करने के बाद में उस पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है और कर्व में फिल कर देनी है, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन एनवेलप की मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे आपको पता लगे कि एनवेलप फाइंड कैसे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है फाइंड द एनवेलप इक्वेशन, एनवेलप की इक्वेशन फाइंड किसकी करनी है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का एक फैमिली का कर्व दिया हुआ है ये वाला, ठीक है? एक्स वाई ए प्लस के वाई वाई बी इक्वल टू वन, ए आर बी टू पैरामीटर है। मैंने कहा था ना पैरामीटर गिवन होंगे, तो यहाँ पर आप देखो दो पैरामीटर दे दिए, मैं डायरेक्ट आपको दो में पैरामीटर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपको वन पैरामीटर का आप खुद ही इजीली कर लोगे, ठीक है? और विच इज कनेक्टेड बाय रिलेशन, और ये जो रिलेशन है वो किससे कनेक्टेड है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझ लेना, एक ही क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस मेथड समझ में आना ही चाहिए। देखो कैसे करेंगे,
सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के। लेकिन यहाँ तो दो पैरामीटर है, जब भी दो पैरामीटर आ जाए तो आपको क्या करना है, दोनों पैरामीटर को एक ही पैरामीटर बनाना है। उसके लिए आपको कोई ना कोई रिलेशन 100% दिया होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो एक ही होता, यहाँ पर भी ए होता, तो उसी ए के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और फिर एक ही वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। बात समझ में? देखो मान के चलो यहाँ ए होता सपोज, तो ए होता तो क्या है कि ए के रेस्पेक्ट, क्योंकि पैरामीटर है, मैंने बताया था मेथड में किस तरह से फाइंड करना है, कि उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको उसी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अब यहाँ दो पैरामीटर हो गए, तो दो पैरामीटर में से एक पैरामीटर को, मतलब दूसरा जो पैरामीटर है उसको फर्स्ट पैरामीटर में चेंज करना है, जिससे एक ही पैरामीटर बन जाए, और एक पैरामीटर बनने के बाद में उसको डिफरेंशिएट कर देना और फिर उसी पैरामीटर की वैल्यू निकालनी। देखो कैसे, सबसे पहले ये दिया हुआ है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू वन दिया हुआ है, एंड ए प्लस बी इजकल टू सी दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बी को चेंज करता हूँ किस में, ए में। तो बी को एक में कैसे चेंज करूँगा, यहाँ से कर सकता हूँ, तो बी इजकल टू हो जाएगा सी माइनस ए। अब सी कैसे चलेगा, ये कॉन्स्टेंट की तरह चलेगा। अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की जगह क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो गया इजकल टू वन। अब ए की पैरामीटर हो गई ये, और सी क्या हो गया, एज अ कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ सी को, बिकॉज हमको पैरामीटर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसलिए मैं सी को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करूँगा और क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा इसी इक्वेशन को, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर, समझ में आ रहा ना यार? अब देखो किस तरीके से करूँगा, इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वन बाई ए का क्या होता है, माइनस के वन बाई ए स्क्वायर। एक्स क्या हो गया, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो माइनस के एक्स बाई ए स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद में इसका करना है तो देखो माइनस के साइन माइनस का आएगा, और अपॉन वन वाई अपॉन सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, और सी माइनस अब सारे हो गए, अब ए बच रहा है, ए का क्या हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा इजकल टू जीरो। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, वैसे सिंपल ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सी अब जैसे ये क्या हो गया, अब सी माइनस ए का करना था, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बट अब ए का भी तो करेंगे ना, यहाँ ए का क्या हो गया, वन हो गया, लेकिन यहाँ ए बच रहा है, बाकी के सारे टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये सारे टर्म क्या है। मैंने देखो तो डिफरेंशिएट जब कराया ना, बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी दोबारा से बता रहा हूँ कि मतलब एक बार कंप्लीट का कर लिया, फिर जो जो बच रहा है उनका कर लो। वाई सी कॉन्स्टेंट बच रहा है ओनली माइनस के ए, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा इजकल टू जीरो। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस के एक्स बाई ए स्क्वायर इजिकल टू, ये प्लस हो गया, मैं इक्वल के उधर के लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर, तो वाई अपॉन सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई? अब डिफरेंशिएट कर दिया आपने, डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या प्रोसेस आता है, ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है इसी इक्वेशन से। देखो तो देखो सी माइनस ए को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, सही है, अपॉन ए स्क्वायर ऑलरेडी है ही इजिकल टू वाई अपॉन एक्स, सही है। इसके बाद में अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखो सी माइनस ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, रूट वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? अब ए ए से डिवाइड कर लो सेपरेटली, ये क्या हो जाएगा, सी वाई ए माइनस वन इजकल टू, ठीक है। तो देखो सी वाई ए क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो खैर जो मैंने प्रोसेस बताया ना, बस उसी से आपको चलना है, बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। आपको ए फाइंड करना है कुल मिला के, तो ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से सी बाई ए तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। अब ए चाहिए तो ए क्या हो जाएगा, देखो ए इधर गया तो सी इंटू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के अंडर रूट वाई। ए मिल गया जी हमको, आपको पता समझ ही बताया था। अब इस ए को कहाँ पुट करना है, उसी जगह पुट करना है जहाँ से हमने इक्वेशन को फाइंड की थी। आया समझ में क्या बोल गया? देखो ए तो ऑलरेडी था ही, बी हमने क्या रख दिया, सी माइनस ए, और ए की में रखना था, ए तो है ही है, इसको भी ए की पैरामीटर बनाना है, इसलिए मैंने बी इजकल टू सी माइनस ए रखा। तो जो ए की वैल्यू आई है वो किस में रखूँगा, पहले बी में रखूँगा। जब ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी दोनों की, ए की तो वैल्यू है ही अपने पास, ए तो है ही, ये रहा,
लेकिन बी की भी वैल्यू है इसमें से निकाल के आ जाएगी, तो ए और बी की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा, इसमें रख दूंगा। बोलो समझ में आया? ए मिलने के बाद में पहले क्या निकालना है, बी, क्योंकि बी इक्वल टू क्या था, सी माइनस ए था। चलो इसको भी देखते हैं, इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों आपके, कहीं कहीं दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलो जी, ठीक है, तो ए क्या मिल गया, ए मिल गया सी अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है जी। इसके बाद में बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, सी माइनस ए होता है, तो पुट कर देंगे वैल्यू को, सी माइनस ए क्या जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो अभी इसको क्या कर लेंगे, कम्प्लीटली सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो सी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस के सी इंटू अंडर रूट वाई, एलसीएम ले ली ना, अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट वाई आएगा वन इसके नीचे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सी का कम्प्लीटली, और सी अंडर रूट एक्स आई। बोलो कैंसिल आउट, बचा क्या ओनली बी, बचा आपका सी अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, बी मिल गया आपको, ठीक है, और ए मिल गया आपको। इन ए और बी की जो वैल्यू थी यही क्या थे, पैरामीटर थे आपके, और इन्हीं पैरामीटर को कहाँ कर देना है, कर्व की फैमिली में शिफ्ट कर देना है, सिंपली यही मैंने आपको मेथड बताया था। देयरफॉर कर्व की फैमिली क्या थी हमारे पास में, बताओ, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इजकल टू वन था, इसको मैं वन दे रहा हूँ नाम, इसको मैं दे रहा हूँ इसको वन, मतलब इक्वेशन नंबर वन, टू, तो यहाँ लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट वन एंड टू इन कर्व फैमिली, ठीक है। चलो वैल्यू को पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू आपके पास आई है, देखो दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन ए क्या था, सी रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक, प्लस वाई अपॉन बी क्या था, बी था आपका सी रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इजकल टू वन हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बस इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपली इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में एक छोटी सी इक्वेशन मिलेगी, बस उसी वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, ये रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, रूट वाई भी ऊपर चला जाएगा, यानी रूट एक्स प्लस के रूट वाई ऊपर चला जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। करने को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, और करना भी आपको चाहिए, देखो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, समझना, क्योंकि ए सी एफ की तैयारी कर रहे हो, इतना लेवल होना चाहिए। देखो अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट वाई ऊपर, अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट वाई ऊपर, क्लियर, दोनों तरफ आ रहा है, तो मैंने अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स, और नीचे क्या बचेगा सी रूट एक्स, सही है यहाँ तक। उसके बाद में ऊपर क्या बचेगा वाई सेकेंड वाले में, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट वाई, करके देख लेना, ईजीली हो जाएगा आपसे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना यहाँ तक। और सी तो है ही आपके पास में, अब देखो और भी छोटा हो जाए, देखो यहाँ सी आएगा, क्या आएगा यहाँ सी आएगा, दोनों तरफ अगर सी है तो सी यहाँ कॉमन हो गया ना, तो मैं सी भी हटा रहा हूँ यहाँ से, सी इधर आ गया, ठीक है ना, और इधर क्या हो गया वन हो गया, वन एक को मैं मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, तो सी इधर ले लिया मैंने, समझ में आया क्या कर गया मैं, दोनों तरफ रूट एक्स प्लस के रूट वाई ऊपर की तरफ, नीचे सी कॉमन था, तो नीचे मैंने सी ले लिया सपोज, तो सी लेने पर ऊपर बचा इधर एक्स अपन अंडर रूट एक्स प्लस के वाई अपन अंडर रूट वाई, और यहाँ सी था, मैंने काटा नहीं है, सी था, लेकिन सी को मैं इधर वन था, इसलिए सी को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आप करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में अब बताओ आगे कैसे करेंगे इसको, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और देखो इधर ये ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई हो जाएगा, इजकल टू से हो जाएगा, ठीक, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, इजकल टू क्या हो गया सी, इसका मतलब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इजकल टू अंडर रूट सी इज द रिक्वायर्ड, यही क्या है आपका रिक्वायर्ड एनवेलप है। बोलो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यार देखो सिंपल सी बात ये थी कि इसमें सिर्फ क्या करना है कि अगर इस तरीके से कोई भी दिया हो स्ट्रेट लाइन
कि क्वेश्चन हो, कि कोई भी क्वेश्चन हो और इस तरीके से ए प्लस बी इक्वल टू सी कोई भी रिलेशन दिया हो। ये तो मैंने आपको दो पैरामीटर बताया, लेंथी बता दिया, और इस वन पैरामीटर वाला आएगा तो आप तो अफोर्डोगे, समझ में आ रही है बात। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन आ जाए आप इजीली निकाल सकते हो। तो ए प्लस बी मैंने दो पैरामीटर थे, दो पैरामीटर को एक पैरामीटर में चेंज कर दिया, अदरवाइज एक पैरामीटर तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना था, वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकाल के सिंपली उस कर्व की फैमिली में रख देना था। यहाँ पर क्या किया है, बी को ए में चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद में उस ए और बी की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की निकाल के इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, टफ नहीं होते, और इसी से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बहुत है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये सीधे सीधे आएंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आपको आंसर बताना है, समझ में आ गई बात। तो इससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा नहीं, और ज़्यादा कमेंट आए, ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा सॉल्यूशन के लिए, तो ही मैं इसको समझाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको समझाऊंगा नहीं। सिर्फ मैं इसका आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन देने के बाद में आपको इसका आंसर निकालना है, और आंसर निकाल के आपको कमेंट कर देना कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। और ज़्यादा, जितने ज़्यादा अगर मेरे पास सॉल्यूशन के लिए किसी ने डिमांड की, तो ही मैं सॉल्यूशन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एनवेलप ही करना है, ठीक है ना, एनवेलप, फाइंड एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एम इज पैरामीटर, यहाँ पर पैरामीटर क्या है, देखो वाई एक्स के अलावा जो भी होता है वो पैरामीटर है, वाई को हटा दो एक्स को हटा दो, तो पैरामीटर कितने हो गए, एक दो और तीन हो गए, लेकिन उसने स्पेसिफिक क्या दे दिया, यहाँ पे एम पैरामीटर दे दिया। अब आपको ए और बी क्या चले जाएंगे, कॉन्स्टेंट की तरह चलेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, एक पैरामीटर की तरह डील करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। हिंट आपको पता ही है कि क्या करना है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करनी है। तो इसका आंसर निकालना आप, और आंसर निकाल के इसके मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्या कि आपको आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद में हमने क्वेश्चन भी किया था, देखो इसके ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। सी है एक्स अपॉन ए ठीक है प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, और डी है नन। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना मेरे को, और ठीक है ना, और अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि आज का आंसर क्या होगा, कि सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, और सॉल्यूशन की डिमांड की तो ही मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप मेरे को ऑप्शन बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बता दूंगा कि क्या होगा। तो आई थिंक दोस्तों ये जो आपका लेक्चर है आज का समझ में आया होगा, एनवल आपका क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई भी अगर इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा भी कोई डाउट हो या कोई पर्सनल डाउट हो, तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो अगर वास्तव में आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। यही मेरा मोटिवेशन होता है, क्योंकि लाइक में आपको कुछ जाता नहीं, लेकिन उससे मेरे को आइडिया लग जाता है, या फिर लाइक से मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा, लेकिन लाइक से बस इतना मिल जाता है कि हाँ कि आप लाइक कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो जिससे क्या है कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।